अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल खुशनुमा ब्लॉग्स फूड फैमिली एंड फ्रेंड्स। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। चलिए फिर मैं आज आप लोगों के सामने अपना ईद ब्लॉग लेकर आ चुकी हूँ और इस ब्लॉग में मैं मेरा चांद रात से लेके ईद तक का मैं जो भी क्लिप्स है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे तरफ से खुशनुमा ब्लॉग और मेरे हस्बैंड की तरफ से बुक माई हंगर, हम दोनों की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन खुशनुमा ने तो आप लोगों को विश कर ही दिया और मेरे तरफ से भी जो है खास करके खुशनुमा ब्लॉग एंड बुक माई हंगर की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हम सभी को जो है सारे खुशियों से नवाजे और बस हम लोगों के और आप सभी को घर में जो है ना खुशियाँ भरपूर दे। हाँ, और अभी रमज़ान महीना माशाल्लाह से एक महीना का रमज़ान कैसे गया इतना कुछ मालूम नहीं पड़ा और हमें तो रोज़ा रहना ही है, मगर मेरा बेटा रेहान जो है माशाल्लाह से उसने भी एक महीने के पूरे रोज़े रखे, तो मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह पाक मेरे बच्चे को ऐसी हिम्मत ताकत और हौसला दे ताकि मेरा बच्चा आगे भी ऐसी रोज़ा रख सके। और रोज़े के साथ साथ उसने तरावी भी पूरी पढ़ी। हाँ, तो अपने पापा के साथ वो जाता था तरावी पढ़ने और माशाल्लाह अच्छे से पढ़ा उसने। और फ्रेंकली मतलब इस बार का रमज़ान मुबारक का महीना किस तरीके से आया और किस तरीके से चला गया पता ही नहीं चला, मतलब बहुत ही मतलब लग ही नहीं रहा कि रमज़ान का मुबारक। एक्चुअली पिछले दो साल लॉकडाउन लगा था कोरोना के चक्कर में, तो वो क्या ऑनलाइन क्लास वगैरह रहती थी तो उसमें रहना आसान था रोज़ा, और उस टाइम भी उसने 30 रोज़े रखे थे, मगर अभी क्या है ऑफलाइन था, स्कूल चालू हो गई थी तो जाना आना, ये है कि आने के बाद बच्चा बोलता था कि मम्मी रोज़ा लग रहा था आज, ऐसा बहुत प्यास, भूख तो नहीं प्यास लग रही थी क्योंकि गर्मी का टाइम है ऑब्वियसली प्यास तो लगनी ही है। और जो मतलब रेहान को मानना पड़ेगा वो 13 साल का है अल्हम्दुलिल्लाह, उसने पूरे रोज़े रखे और स्कूल भी जब वो जाता था तो एक्सरसाइज वगैरह करवाते थे तो उसने बोला नहीं कभी। हाँ, पी पीरियड जब होता था नहीं दिया, उसने पूरे रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह रखे, नमाज भी पढ़ी, उसके बाद में जो है कुरान शरीफ की तिलावत भी करी और बाद में फिर तरावी भी पढ़ी उसने। तो बस अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उसके अल्लाह ताला सारे नेक दुआ को कबूलत फरमाए और जितने भी लोग मतलब लोगों ने रोज़ा रखा है अल्लाह ताला सबके रोज़े को कबूल फरमाए और अल्लाह पाक सबके दुआओं को कबूल करे। ठीक है, आप लोग भी इसी तरह अपना प्यार और दुलार हमसे बनाए रखिए और हमारे चैनल को प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट करा करिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं ईद चांद रात से लेके पूरे ईद भर में हमने क्या किया। चलिए लेट्स बिगिन। ये देखिए, ये चांद रात वाला दिन है और दोपहर 3 बजे जो है मेहंदी वाली मेरे घर पर आई थी, उसने मेरे दोनों हाथों और दोनों पैरों में मेहंदी लगाई। माशाल्लाह से इसकी मेहंदी बहुत ही अच्छी रहती है, देखिए मेरे आगे और पीछे हाथ कितने भरे भरे और कितनी खूबसूरत मेहंदी लगाई है फ्लावर डिज़ाइन की, और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है इसकी मेहंदी। और इसने जो है मेरे पैरों में भी लगाई थी और ये नेक्स्ट डे ईद वाला दिन है और रेहान और उसके पापा दोनों जन जा रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने। माशाल्लाह से दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं वाइट कुर्ते पैजामे में, और इधर जो है मैं अब सिवई बनाने की तैयारी कर रही हूँ शीरकुरमा। ये देखिए, मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे और मैं इसको घी में जो है भून रही हूँ, और भूनने के बाद जो है मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। ठीक है, माशाल्लाह से ईद में शीरकुरमा की लज्जत जो है वो और भी अच्छी आ जाती है। और ड्राई फ्रूट्स लाल होने के बाद जो है मैं इसमें जो है दूसरी तरफ मैंने गरम दूध करके रखे थे वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तकरीबन 2 लीटर दूध की मैं ये सेवई बना रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनती है ये शीरकुरमा और काफ़ी पसंद आता है, और मेरे घर जो है यही सेवई सब जन खाते हैं तो मैं यही बनाती हूँ।
और ये देखिए, आप देख सकते हैं सामने मेरे रूम के सामने मस्जिद है, वहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ी जा रही है। और इधर मैं 2 किलो जो है लॉलीपॉप लाई थी और 1 किलो चिकन और मसाला पीस कर मैंने रेडी रखा था। और इधर मैंने लॉलीपॉप जो है पहले मैरिनेट करके रख दिया है। इसका एक फ़ायदा ये है कि जब कोई भी आता है तो हम उसको अच्छे से फ्राई करके गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए, रेहान और रेहान के पापा जो है, दोनों की ईद की नमाज़ हो चुकी है, अभी लोग घर पर आ रहे हैं और ये बिल्डिंग में एंट्री कर चुके हैं। माशाल्लाह से दोनों की जोड़ी बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, किसी की नज़र ना लगे। और ये देखिए, अभी ये लोग नीचे लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। और आने के बाद जो है मेरे हस्बैंड और रेहान जो है अम्मी से ईद मुबारक मिल रहे हैं। और ये देखिए, अम्मी और रेहान से भी अभी ईद मुबारक, रेहान भी अपनी दादी से मिलेगा। और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये देखिए, रेहान काफ़ी खुश भी है, अम्मी कुछ पूछ रहे हैं रेहान से। और रेहान अभी अपने दादा से ईद मुबारक मिलने आया है माशाल्लाह से, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये देखिए, अभी रेहान के पापा जो है अपने अम्मी अब्बा से ईद मुबारक मिल रहे हैं। और ये इधर रेहान जो है मुझसे ईद मुबारक मिलने आया है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इधर रेहान के पापा भी आए हैं। और इसके बाद जो है मैं नाश्ता करने बैठी थी, और नाश्ते में आप देख सकते हैं मैंने रोल और ग्रीन चटनी और लॉलीपॉप और तंदूरी बनाई थी। अम्मी अब्बा को मैंने नाश्ता सर्व कर दिया था, ये लोग भी नमाज़ पढ़ के आ गए थे तो इनको भी मैंने नाश्ता सर्व कर दिया था। और इधर अम्मी अब्बा भी गले मिलकर ईद मुबारक एक दूसरे को विश कर रहे हैं। और देखिए, मैंने गर्मा गर्म शीर खुरमा और जो भी मैंने नाश्ते में स्टार्टर बनाए थे वो मैंने सारे सर्व कर दिए हैं। रेहान, रेहान के पापा और अम्मी अब्बा बैठे हैं खाने के लिए। और सुबह सुबह शीर खुरमा बहुत ही अच्छा लग रहा था, वही रेहान के पापा बोल रहे हैं कि काफ़ी अच्छा शीर खुरमा बना है। और शीर खुरमा मैं 2 किस्म के बनाती हूँ, एक तो शुगर फ्री और एक शुगर वाले। और यही रेहान के पापा जो है रोल, जो मैंने चिकन नूडल्स रोल बनाया था, वो खाकर टेस्ट करके बता रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बना है। और अब्बा को भी ये रोल काफ़ी पसंद आया। और मैंने इस पर ग्रीन चटनी जो है मिंट की रखी थी, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था। और ये देखिए, मेरे मेहंदी का लुक काफ़ी अच्छा और माशाल्लाह से अच्छा कलर आया है। और मैं भी इधर नाश्ता करने बैठ चुकी हूँ, चाय पी रही हूँ। और सुबह जो है मैं 4 बजे ही उठ गई थी और सारी तैयारी कर रही थी। और ये देखिए, अभी मैं इधर चिकन कोरमा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने खड़े गरम मसाले ऑयल में डाल दिए हैं, प्याज लाल होने के बाद मैंने टमेटो उसमें ऐड कर दिया है। और ये देखिए, मैं लावा और कुछ ड्राई फ्रूट्स काजू बादाम उधर भून रही थी। और फिर मैंने चिकन जो है ऑयल में ऐड करने के बाद मैंने उसमें मसाला जो पीस कर रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। फिर मैंने जो है बरिस्ता और दही को पीस के मैंने इसमें ग्रेवी में डाल दिया है। और मेरा सालन बन गया है। और अब जो है मैं नहाने की तैयारी कर रही हूँ। ये मेरा आज का ईद का ड्रेस है और ये सारी ज्वेलरी मैं पहनने वाली हूँ। माशाल्लाह से खाना बनने के बाद मैं नहाने गई। और फिर आप देख सकते हैं, मैंने जोहर की भी नमाज़ पढ़ने के बाद, यहाँ पर इमरान आ चुके थे, तो आपा के बेटे हैं ये, अपने मामू से गले मिल रहे हैं और अब्बा फ़ोन पर बात कर रहे हैं। और मियाँ भाई भी आए थे तो वो भी ईद मिल रहे हैं रेहान के पापा से। और दोपहर का खाना आप देख सकते हैं, मैंने चिकन कोरमा, सैलड, तंदूरी और लॉलीपॉप, पुलाव और मिंट की चटनी, सेवई, शीर खुरमा, ये सारी चीज़ें मैंने आज खाने पर बनाई थी। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लगा। और तकरीबन 5 बजे जो है मेरे देवर, देवरानी और हुसैन आ गए। और ये भी हुसैन अपने बड़े अब्बू से गले मिल रहा है, ठीक है। और ये देखिए, हुसैन स्माइल कर रहा है, ठीक है। और शाम में जो है यास्मीन भी आई, हम सब एक दूसरे से मिले। और मुबशिरा भी देखिए माशाल्लाह से।
वही मुंह पे शीरा बोल रही है कि मुमानी और मेरा जो है दुपट्टा फ्रिल वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं बोली हाँ, मैंने फ्रिल देख के ही मैंने ये ड्रेस पसंद किया था। और ये देखिए, यास्मीन और मुबशिरा भी नाश्ता कर रहे हैं और अब आपा भी आई हैं। आपा थोड़ी लेट हो चुकी थी क्योंकि मेरी ननंद के बच्चों की तबीयत नहीं सही थी, उनके वहाँ गई थी। फिर बाद में आने के बाद जो है आपा, मैं और मुबशिरा हम लोग खाना खाए, और खाना खाने के बाद जो है आपा जो है अभी थोड़ी देर बैठेंगी, और फिर इधर जो है दूसरी तरफ अम्मी अब्बा भी खाना खाने बैठे हुए हैं, और मेरे देवर देवरानी जा चुके हैं। माशाल्लाह से ईद जो है प्यार मोहब्बत वाली होती है, एक दूसरे से मिलना जुलना चाहिए, इसी से प्यार मोहब्बत बढ़ता है। और ये देखिए अब आपा यास्मीन भी जा रही हैं। आप लोगों को मेरा ये ईद का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। अल्लाह हाफिज़।